बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होती है यूनिटी। सहारनपुर से दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर चली 2DS पैसेंजर ट्रेन में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। सकौती पहुंचने के बाद ट्रेन के चालक को मामले की जानकारी हुई, लेकिन इस दौरान ट्रेन में अफरा दफरी और दहशत का माहौल बना रहा। वहीं दौराला स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। स्थानीय पुलिस ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने बोगियों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। आग इतनी भयंकर थी कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी फायर ब्रिगेड आग पर काबू नहीं पा सकी। बताया गया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान अन्य ट्रेनें प्रभावित रहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होती है यूनिटी। वेल डन वेल डन। तब इसमें ब्रेक लग रहे थे। उधर अन्य ट्रेनों के इंतजार में स्टेशन पर बैठे यात्री भी परेशान हो गए। कुछ यात्रियों को ट्रेन में आग लगने के कारण ड्यूटी पर जाने में देरी हुई तो कुछ रिश्तेदारी में जाने के लिए इंतजार करते रहे। दौराला रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर में आग लगने के बाद दिल्ली मेरठ रूट भी प्रभावित हो गया। सुबह के समय कई महत्वपूर्ण ट्रेन वाया मेरठ होकर देहरादून और दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को मेरठ सिटी स्टेशन पर रोका गया था। इसके अलावा जम्मू से चलकर वाया मेरठ होकर दिल्ली जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को सकौती स्टेशन पर रोका गया है। वहीं प्रयागराज से चलकर वाया मेरठ सहारनपुर को जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस को भी सिटी स्टेशन पर रोका गया। इसके अलावा कई अन्य ट्रेनें भी मुजफ्फरनगर खतौली स्टेशन पर रोकी गईं। वहीं हवा तेज होने के कारण आग बुझाने का कार्य प्रभावित हुआ। न्यूज़ डेस्क Time24 न्यूज़। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।